जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते, गांठ बांध लेना। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, श्रद्धा स्वतः स्वतः का उद्धार करना होगा। आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, इवन भगवान भी आने वाला नहीं है। आपका उद्धार करने के लिए भगवान भी आने वाला नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा, वो कहते भगवान ने गीता में लिखा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, ग्लानि आएगी, संकट आएगा, तो भगवान ने कहा आऊंगा, लिखा आऊंगा, संकट आएगा आऊंगा, संकट आ गया, मगर भगवान ने आने का नाम ले नहीं रहा। हमारे लोग राह देख रहे हैं कि कोई भगवान आएगा आएगा। 2000 साल से हमारे लोग राह देख रहे हैं, 2000 साल पहले गीता लिखा, 2000 साल से राह देख रहे, वेटिंग होना चाहिए, मगर साला 2000 साल से वेटिंग, वेटिंग की बात समझ में आती, 2000 साल से वेटिंग, 2000 साल से वेटिंग हो रही, हमारे लोग वेट कर रहे कि कोई आएगा, कोई भी आने वाला नहीं है। याद रख लेना, आपका उद्धार करने के लिए कोई आने वाला नहीं। आगे उसने गीता में लिखा, क्या लिखा, आऊंगा, काय के लिए आऊंगा, और भी लिखा काय के लिए आऊंगा, लिखा साधु जनों की रक्षा करने के लिए आऊंगा और दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। साधु जनों की रक्षा करने के लिए आऊंगा, दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। साधु जन किसको कहा गीता ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साधु जन, शूद्र ए है दुर्जन। ऋग्वेद में लिखा है दास दस्यु दानव दैत्य राक्षस, ए आपके पुरखों का ए नाम या अर्थ बदल करके उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ लेना, दास दस्यु दानव दैत्य राक्षस और एक नाम दिया दुर्जन। अगर आपके पुरखों को नाम दिया दुर्जन तो आप यहां बैठे हुए जो लोग हैं ए दुर्जनों की वर्तमान संतान है, ये दुर्जनों की वर्तमान संतान है। अगर भगवान कल्याण में आया होगा, अगर भगवान कल्याण में आया होगा तो भगवान पूछता होगा अरे दुर्जन कहां गए कहां गए कहां गए, तो किसी ने कहा होगा कि वो गायकवाड़ के मैदान में वामन मेश्राम की सभा सुनने के लिए सारे दुर्जन इकट्ठा हुए हैं भगवान जी, तो भगवान ने उसको कहा होगा अच्छा सारे लोगों के घरों में जाने की जयमत उठानी नहीं पड़ेगी, सारे दुर्जन इकट्ठा मिल जाएंगे, साफ कर दूंगा, घरों में जाने की जयमत उठानी नहीं पड़ेगी, सारा दुर्जन इकट्ठा मिल जाएगा, साफ कर दूंगा। एक तो भगवान आने वाला नहीं है, और अगर आया तो आपका सर्वनाश करने के लिए आने वाला है, आपका उद्धार करने के लिए आने वाला नहीं है। याद रख लेना, अगर आप अपना उद्धार करना चाहते श्रद्धा, जागना होगा, जागना होगा, जगाना होगा, केवल जागने से काम नहीं चलेगा, जागना होगा, एक आदमी को जागना होगा, 10 आदमी को जगाना होगा, जागना होगा, जगाना होगा, जागना होगा, जगाना होगा, 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ना होगा, एक नहीं 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा। शक्ति का निर्माण करोगे आंदोलन का निर्माण होगा, आंदोलन का निर्माण करोगे जन आंदोलन का निर्माण होगा, और अगर जन आंदोलन का निर्माण करोगे खुद मुख्तियार हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, खुद मुख्तियार हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। आज भविष्य आपका है, निर्णय का अधिकार अटल बिहारी का, भविष्य आपका, निर्णय का अधिकार सोनिया गांधी का, यानी भविष्य आपका, निर्णय किसी और के हाथ में है। अगर आजाद हो गए, अगर खुद मुख्तियार हो गए तो क्या होगा, तब भी भविष्य आपका होगा। अगर खुद मुख्तियार हो गए, आजाद हो गए, तब भी भविष्य आपका होगा, मगर तब परिवर्तन होगा, भविष्य भी आपका होगा, और उस भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी आपका होगा। और जब आपको अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार होगा, तब आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। हमको
राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने से ये सब कुछ होगा। हमारे महापुरुषों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किया था, इसी वजह से बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा, इसी वजह से कांग्रेस के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समझौता करना पड़ा, इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की वजह से देने में वो कामयाब हुए। अगर आज आपके अधिकार समाप्त हो रहे हैं, अगर बचाना चाहते हो तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। गांठ बांध लेना, जैसे चाणक्य ने चूटी में गांठ बांधी थी। चूटी में क्यों गांठ बांधी थी जानते हो? जब आदमी हर दिन नहाता है, नहाने के बाद कंघी करता है, अगर गांठ रहेगी तो कंघी साली वहां अटक जाती है, अटकते ही झटका लगता है, झटका लगने से दिमाग फिर चलता, साला बदला लेना है। साला ब्राह्मण भी हो होशियार, साले चूटी काहे की लगा, बेवजह नहीं है वो कंघी, जैसे अटकती झटका लगता है, झटका लगते ही दिमाग फिर अरे बदला लेना। आप अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, गांठ बांधे बगैर कोई काम होने वाला नहीं, गांठ बांध देना। इसलिए साथियों, ये जो परिवर्तन का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, अगर आप न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेटिव चाहते हो, जन आंदोलन करना होगा, आंदोलन से रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आंदोलन से सत्ता नहीं, आंदोलन से व्यवस्था बदलेगी, ध्यान रखना। व्यवस्था बदलने का अभियान चलाना होगा, केवल सत्ता बदलने से हमारा मामला हल होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। धन्यवाद।